और आदित्य भाई साहब आ तो जमी जिंदाबाद है, उन्हें डबल बूट बन गई। अकेले ही बनाएंगे तो फिर जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, अकेले ही बनाएंगे। राजेंद्र ने दस्या वही लगता है जी, कालावाड़ी हल्के का कालावाड़ी ने जीतेगा गुरतेज सिंह मास्टर। हाँ ये 500 सीट मतलब चौटाले को आएगी 500 सीट। इनेलो की सरकार आ रही है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम बनेंगे तो और सिरसा का विकास करेंगे, सिरसा की सरकार आ रही है। बहुत चंगा लगता जी, बाकी तुम देख रहे हो इकट्ठ बहुत ज़्यादा इकट्ठ है, बड़ा लोगों का मतलब पूरा वो मिल रहा है सहयोग, पिंड हुम हुमा के लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया पोजीशन लग रही है सानू, रावली सीट तो बहुत चंगी जीत कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जी मान के चलो तुम सरसे तक ही क्लीयर है, मान के चलो भाई साहब भी वो तो वह सीटा नैलो नहीं आ। हाँ हाँ जी पंजे सीटा भाई साहब नोनगियां, नैलो की सरकार बन रही है जी। हाँ जी बाकी लोग हाँ जी क्लीयर है जी, क्लीयर बन रही है नैलो की सरकार। हाँ क्लीयर क्लीयर है जी, कट दे कोई तुम तो पंजे सीटा सरसे दी पंजे दी पंजे जी नहीं जी तो हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा जी। हाँ हो जाएगा जी, एलनाबाद वाली भी ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी अर्जुन बहुत बड़े मार्जिन ना जीतू है जी, बहुत बड़े मार्जिन बहुत ज्यादा तो ज्यादा जी, ज्यादा से ज्यादा नमस्कार। बहुत बढ़िया पोजीशन है जी, आप देख रहे हो जैसे कि ठीक है जी कितना भीड़ जमा हुई है और भीड़ उसी के पीछे जमा होती है जिसकी कोई पोजीशन है, जिसका कोई स्टैंड है अभी तक। और मैं सकता खड़ा हूँ डबली से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर लगभग हमारे गांव के 70% वोट है जो भाई आदित्यलाल जी को जाएंगे, आदित्य देवीलाल जी को जाएंगे। और मैं तो जय कहना चाहता हूँ नज़दीक नज़दीक गांव में भी इतनी अच्छी पोजीशन है तो बहुत ही बढ़िया। हाँ ये बात कह सकते हैं कहीं ना कहीं कालावाली सीट है थोड़ी कमज़ोर है ठीक है, लेकिन कहते हैं ना भी अगर समंदर चल रहा है उसमें से एक आधी बाल्टी निकाल ली जाए तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ठीक है। तो मैं चाहूँगा भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ और जनता से भी प्रार्थना करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमारे भाई आदित्यराम देवीलाल जी को विधायक बनाएं और हमारी समस्याएं जो काफ़ी समय से बढ़ रही हैं, हमारी समस्याएं बहुत हैं लेकिन हल कभी भी नहीं हुई और हमारी उम्मीद है कि इस बार हल होंगी। और हमारी दुकान से यही प्रार्थना है कि विधायक बन के हमारी उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे देवीलाल जी, बाकी आप जहाँ हमारा समय दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य हाँ जी, और बाकी चार सीटों की बात करें नहीं बाकी भी ठीक है इसका ठीक है। हाँ ये ठीक है अच्छा है, हम तो वहाँ जाते नहीं हैं उसका क्या पता हमें, फिर भी अच्छा है अर्जुन चौटाला जीत रहा है। हाँ वो भी जीत रहा है। कितनी सीटें मांगते हैं सिरसा में से? सिरसा में पांचों के पांचों हैं। पांचों के पांचों ने लोग क्या कहना चाहूंगे? कुछ नहीं जीते हैं ना जी। हाँ जीते हैं जीते। डब वाले जो जीते हैं? हाँ जीते हैं। ये बाकी सीटें निकाल के देखो ये बाकी तो दस तो जीती हैं डबल से। इनेलो पार्टी दिया सिरसा जो कितने सीटें मांगते हो? सरसे जो 10 सीटें जीते हैं 10 पार्टी जिंदाबाद है जी। जिंदाबाद सिरसा में से कितनी सीटें मानते हैं? पांच मानते हैं। पांचों के पांचों। इधर अगर मैं कालावाली की बात करूं तो थोड़ी कमजोर लग रही है। नहीं कालावाली तेज सिंह जीतेगा। जीतेंगे? हाँ जी मास्टर जी। और आदित्य भाई साहब आ तो जमी जिंदाबाद है, उन्हें डबल वोट बन गई। और सिरसा की अगर बात करें तो पांडा मुझे समर्थन दिया तो क्या लगता है सीट निकल जाएगी? निकल जाएगी जी, मतलब आप पांचों की पांचों कहते हैं। आदित्य जीतू है जी। हाँ जी और साथ में बाकी सीटों का क्या लगता है? बाकी भी पूरी टक्कर देंगे जीतने के जी। इनेलो की कितनी सीटें मानते हो? नैलो जी 20 के करीब आ जाएंगे, 15-20 आ जाएंगे। आप कहना चाहोगे इनेलो पार्टी को लेके की लगता है? डब वाली सीट तो आदित्य जीतेगा। जीतेगा? हाँ।
बाकी सीटें भी निकाल लेंगे। सिरसा से पांचों की पांच आदित्य जी तो चटाला जीतू जी। हाँ जी पंजे सीटा इन्हों दिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी कोई कमजोर नहीं लग रही। नहीं नहीं कोई कमी नहीं जी कम कीते कम बोलते ना कीते हुए ना दे आदित्य जी दे ओथे भी एनएलओ कढ़ूगी जी। हाँ जी इस बार एनएलओ क्लियर है एनएलओ सरकार बनेगी अभय सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के। पाँचों सीट एनएलओ की है। हाँ पाँचों में एनएलओ की है ना। नहीं कोई कमजोर नहीं एक तरफ ही है आप देख नहीं रहे आप कितना बोल रहे और आप जीत रहे हैं। हरियाणा में कितनी सीटें मान रहे हैं? हरियाणा में बहुमत बहुमत आएगा पूरा। सीटें कितनी लग रही हैं इनेलो की? सिर्फ 50+ सिर्फ इनेलो की। हाँ इनेलो की तो अकेले ही मनाएंगे तो फिर जोड़ तोड़ नहीं करेंगे अकेले ही मनाएंगे। तो पांचों के पांचों है जी हमारी तो। हाँ जी हरियाणा में 50+ है जी तो बहुमत से है तो मायावती से हमारा गठबंधन है बीएसपी से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी पक्का से और अभय सिंह जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ जी तो आप देख लो कितना माहौल है। हमारे हिसाब से 3 सीटें जीत रही है। सिरसा जिला के 2 सीटों पर फाइट है और उसमें हल्का एज इनेलो को ही है। फाइट में है कालावली और सिरसा की सीट में एज में यहाँ पर भी है और 3 सीटें क्लियर जीत रही है डवाली रानिया और एलनाबाद। हरियाणा में 15 से 18 सीटें इनेलो को आ रही है आज की तारीख। वैसे 25 से 30 सीटों पर फाइट में है 15 से 18 सीटें जीत रही है। हाँ राजेंद्र ने दस ही लगता है जी। सिरसा च 3 ही मानते हैं जी बाकी तो देखो उधर सिरसा जाते नहीं असं कदे। संजना 7 रोड बरवाड़ा से जीत रही है। सिरसा की अगर मैं बात करूं तो कितनी सीटें मान रहे हैं? सिरसा में 3 है लिलो की है 3 सीटें है 1 आजाद है। और क्या लगता है हरियाणा में कितनी आ जाएंगी? हरियाणा में जी गठबंधन की 14 या 16 सीटें आ रही है। 15 से 20 की संजना 7 रोड बरवाड़ा से जीत रही है नरवाना से दनोदा जीत रही है हाथ रहेगा पूरा जी। कहना क्या है जी अब की बार 15 से 20 सीटें आएगी मुख्यमंत्री अभय सिंह जी बनेंगे। हाँ जी श्योर है पूरी। हाँ जी सारे के सारे बटन चश्मे पे दबेंगे जी अब की बार। हाँ जी सिरसा में 3-4 सीटें जरूर आएंगी जी यहाँ पे जी और 3-4 सीटें मायावती की है इसके साथ रल के हमारी 15-16 सीटें हो जाएंगी। सरसा दे जो 5 सीटा है भाई अभय सिंह चौटाला भाई गोपाल कांडा और बहुजन समाज पार्टी मिल के लड़ रहे हैं मैन मायावती 5 सीटा जो है आई नल लेडी बहुजन समाज पार्टी हलोपा दे खाते पर जा रही हैं ये कोई शक नहीं है। बहुत अच्छे मार्जन नाल सारे जो है कैंडिडेट आई एन एल डी दे बी एस पी दे हलोपा जितने दे। कोई कमजोर नहीं लग रही? नहीं नहीं कोई कमजोर नहीं सब तो टॉप दे सीट दे जाएंगे। जो कमजोर सी वो एक हफ्ते विच काला वाली सीट कमजोर सी एक हफ्ते विच असी अप हो गई अज अज दे टाइम ते बहुत बड़ी मार्जिन नाल काला वाली हलका जो है अप हो रहा है। काला वाली च किन्ना मार्जिन मानदे हो? काला वाली च घट तो घट सी 20,000 रुपए वोटां दा मार्जिन मानदे हो। हां 20,000 वोटां तो लैके 25,000 वोट तक बाष्ट गुरदेव सिंह लीड लैके जितणगे। इनेलो की सरकार आ रही है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम बनेंगे तो और सिरसा का विकास करेंगे सिरसा की सरकार आ रही है। तो सिरसा की अगर मैं 5 सीटों की बात करूं तो क्या लगता है कितनी आएंगी इनेलो की? 5 सीटें जीतेंगे 5 की 5। हाँ जी हाँ हम कालावाड़ी हल्के से हैं हमारा गांव दड़बी है जिसमें हम 50% वोट ला रहे हैं। अच्छा
हाँ जी, और बाकी जो है 20-20% उनको आएंगे दोनों को। और हरियाणा की बात करें तो कितनी सीटें लग रही हैं? हमारे हिसाब से 35-36 सीटें आ जाएंगी। हाँ जी, नमस्कार बेटा, नमस्कार। की लग रहा है इनेलो पार्टी का, क्या लगता है? चंगा है बेटा, सारी उम्र ही ना नाल ही बीत गई। अच्छा, हाँ जी, इस बार की लगता है? इस बार जीतन गए बेटा। कहते डब वाली की गल करिए तो कितना का मार्जिन जाऊंगा? हां जी, डब वाली च कितना का मार्जिन जाऊंगा? डब वाली च रोड़ी हलके तू है बेटा, सी काले वाली हलके तू है। काले वाली का की लगता है? काले वाली बेटा जीतूगा। जीतूगा? जीतूगा। कितना का मार्जिन जाऊंगा? बस है बेटा भी बद तो बद 10-20 हज़ार वोटा के नाल ही हार जित होंगी है साढ़े एरिए। हाँ, कालेवाली हल्के का कालेवाली ने जीतेगा गुरतेज सिंह मास्टर। अच्छा। हाँ, ये 500 सीट मतलब चौटाले को आएगी 500 सीट, और कांडे को भी सक्षम है, कांडा भी जीतेगा और 4 सीटें जीतेंगे, 5वीं सीट है। हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल जीतेगी 5 सीटें। हाँ जी अंकल जी, क्या लगता है इस बार? इस बार माहौल बहुत बढ़िया ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ 5 ਕੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੀ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਮਾ। ਅਦਿੱਤਿਆ ਚੁਟਾਲਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਸੇ ਬਾਰੀ ਮਤੋਂ ਸੇ ਜਿੱਤੇਗੇ ਜੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਸੇ ਜਿੱਤੇਗੇ ਜੀ। ਰਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਚੁਟਾਲਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਚੁਟਾਲਾ ਜੀ ਬਾਰੀ ਮਤੋਂ ਸੇ ਜਿੱਤੇਗੇ ਜੀ, ਵਹਾਂ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ ਮਾਰਜਨ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਹਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵੇ ਸੱਤਾ ਮੈਂ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਸੀ ਐਮ ਬਣੇਗੇ, ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਹਲਕਾ ਸੇ ਹਮ ਗਾਮ ਮੱਤੜ ਸੇ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੁਖਚੈਨ ਹੈ ਵੋ ਭਾਰੀ ਵੋਟੋਂ ਸੇ ਵਿਜੈ ਬਣੇਗੀ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟੋਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋਊਗੀ ਪੱਕਾ। ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਚੁਟਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇ? ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਮ ਆਜ ਦੇਖਾ ਹੈ ਹਮਨੇ ਲਗਭਗ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟੋਂ ਸੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਚੁਟਾਲਾ ਜੀਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਨੈਲੋ ਕਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। हाँ जी, अच्छी लीड जाएगी भाई, आदित्य चौटाला जी का एक तरफा माहौल बना हुआ है और जहाँ डब वाली से जीतेंगे। आदित्य जीतूगा जी, डब वाली से आदित्य जीतेगा। और रानिया से भी अर्जुन चौटाला जी और एलाबाद से भी जीतेंगे। काला वाली का भी ठीक माहौल है एक तरफा। हाँ जी, हाँ जी, गोपाल कांडा ये जीतेंगे जरूर।